वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे दे विच मुख्यमंत्री तो लैके बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किए ने ते इस गल का जाहर भी किया कि उत्थे बेनिजमी हो रही ने। देखो ये गल अज दी नहीं है, जदों तो लैके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी चल रही है इन्हां प्रबंधों के जे कितें भी खामी आई है त्रुटि आई है उस गल दे विच जिहड़े संबंधित लोग आ उन्हां नूं सज़ा दित्ती गई है। सो ये जरा 1 करोड़ के करीब जो घपला सी इस दे विच सब तो वड्डी कार्रवाई मैं समझदा हुई है कि 51 जिहड़े जिहड़े साडे मुलाजम है वो सस्पेंड किए गए जिहदे विच 8 मैनेजर ने 6 सुपरवाइजर ने 35 इंस्पैक्टर ने 2 स्टोर कीपर ने। 51 बंदियां दे खिलाफ कार्रवाई हुई है, इहदे विच सीधे तौर पर भी दोषी ने ते सीधे तौर पर मतलब यह है कि जिन्हां दे हुंदे आ जिन्हां दी किना अधीन ये सारी कार्रवाई हुई है वह लोगों नूं इस गल विच दोषी पाया गया। सो ये जिथे पैसे जड़े आ जड़े सज़ा के तौर पर दिते जाणगे वो 1 करोड़ रुपया इन्हों तो वसूले जाएगा उत्थे इन्हां दे खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई है। सो ये कोई छोटी जी गल नहीं है। असीं अगे भी कहा सीगा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मौजूदा प्रबंध जिसने गुरु नूं जान देनी है, असीं गुरु साहब के सेवादार हाँ। सो किसी भी तरह ना असीं शामिल होवांगे ना ही किसी का प्रभाव वरतांगे। सो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा प्रधान हरजिंदर सिंह धामी वालों जो साड़ी फ्लाइंग की टीम ने जो ये सारे सबूत कट्ठे करके जिन्हां खिलाफ़ कार्रवाई की जिहड़ी आ दिता नाम दिते ने उन्हां दे खिलाफ़ कार्रवाई हुई है। सो बहुत वड्डी कार्रवाई है। सो ये गल इस गल का संकेत है कि जिहड़ा इस दोष में शामिल है तो जिहड़ा जिसकी अणकहली तो कुताही के अधीन ये सारा कुछ होंदा वो सारे इस गल ही दोषी पाए जाणगे। सो गुरु कृपा करन श्रोमणी कमेटी जिहड़ी आ अपने प्रबंधां नूं बड़ा सुचारू तो साफ सुथरा तो पारदर्शी करन दे विच कामयाब रही है तो गुरु कृपा करन कामयाब रहेगी।